हेलो फ्रेंड्स, आई साबिर पठान, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। तो हम बेटा कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो आज का लेक्चर है बेटा वो आठवां लेक्चर है, एट्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफरेंटली डिफाइन फॉर रेशनल एंड इरेशनल वैल्यूज। ओके बेटा, कि ऐसे फंक्शन की कंटिन्यूटी हम डिफाइन करेंगे या डिसाइड करेंगे कि जो बेटा वो रेशनल नंबर के लिए भी वो फंक्शन अलग से डिफाइन हो और इरेशनल नंबर के लिए भी वो फंक्शन अलग से डिफाइन हो। ओके, तो एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। तो एग्जाम्पल इज वॉट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रेशनल एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इरेशनल। तो यहाँ पे देखो फंक्शन है वो बेटा, वो अगर एक्स रेशनल नंबर है उसके लिए भी अलग डिफाइन है और अगर एक्स इरेशनल हो तो उसके लिए भी फंक्शन की वैल्यू अलग से डिफाइन की गई है। तो चलो, तो मुझे सपोज एक कोई एक्स की वैल्यू के पास हम चेक करते हैं, कंसीडर लेट चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, ठीक है, x इज इक्वल टू ए के पास ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंस टू a माइनस का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर नंबर लाइन पे सपोज a यहाँ पे लोकेट है तो हम क्या करेंगे, तो x टेंस टू a माइनस तो a के ओर जाएंगे लेफ्ट साइड से, और नज़दीक में नज़दीक कहाँ जा सकते हैं, तो सपोज ये जो पॉइंट है ये नज़दीक में नज़दीक है, सपोज ये पॉइंट है a माइनस एच है, क्या है बेटा a माइनस एच, मतलब ये पॉइंट जो हमारा a और ये पॉइंट है उसके बीच में h जितना गैप है, कितना गैप है सपोज h, तो ये पॉइंट क्या हो गया a माइनस एच ही हो गया। तो मैंने सपोज कर लिया कि a माइनस एच है वो लेफ्ट साइड से सबसे नज़दीक वाला पॉइंट है जो a के नज़दीक हो, तो ये a माइनस एच है वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, हमें थोड़ा पता है कि क्या है। तो ये लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 भी आ सकता है इफ़ ये जो a माइनस एच जो नज़दीक वाला पॉइंट है इरेशनल, और ये लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ ऑफ एक्स का आंसर 0 भी आ सकता है कि इफ जो नज़दीक वाला पॉइंट है इज इरेशनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट साइड से लिमिट ली उसका आंसर ही दो वैल्यू आ रही, अलग अलग वैल्यूज आ रही है, सेम टू सेम बेटा। ऐसे हम लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स के लिए बोल सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, कि सपोज नंबर लाइन हम ड्रॉ करें, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए हो तो अभी राइट साइड से जाना है और कहाँ पे जाना है बेटा, नज़दीक में नज़दीक जाना है। तो सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है वो नज़दीक में नज़दीक है ए के पास राइट साइड से, और सपोज ये जो गैप है वो एच जितना गैप है, तो ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, ए प्लस एच होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो बेटा अगर ये ए प्लस एच रेशनल है ठीक है तो आंसर इसका 1 आएगा, और अगर इरेशनल है तो इसका आंसर 0 आएगा इफ ए प्लस एच इज रेशनल या इफ ए प्लस एच इज इरेशनल। तो यहां पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड से लिमिट ली उसके भी दो आंसर आ रहे हैं, राइट साइड से लिमिट ली उसके भी दो आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ये फंक्शन है वो कोई भी पॉइंट के पास, कोई भी पॉइंट के पास कंटिन्यूस है नहीं। हैंस दिस फंक्शन इज
डिसकंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट और फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी एक्स की वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस ही है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिरिचलेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिरिचलेट फंक्शन, याद रखो। ऐसा फंक्शन कि जो कोई भी पॉइंट के पास कंटिन्यूटी ना हो, सारी वैल्यूज के लिए, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, डिरिचलेट फंक्शन। ओके, ये याद रखना। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे ये जो कंसेप्ट है थोड़ा और क्लियर हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज रेशनल और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल इज कंटिन्यूअस। मतलब मुझे बेटा ऐसी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो क्या हो बेटा, कंटिन्यूअस हो। ओके तो चलो पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि कंसीडर एट एक्स इज इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर बेटा इसकी इसका मतलब क्या हो, एक्स टेंस टू ए माइनस का मतलब हुआ एक्स की वैल्यू ए से कम है और नज़दीक में नज़दीक है। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने समझाया, तो वो बेटा जो नज़दीक वाली वैल्यू है वो तो बेटा रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस यहाँ पे एक्स लूँ, अगर ये जो एक्स लेस देन है मतलब कौन सी वो पॉइंट होगा, ए माइनस एच वाला पॉइंट होगा। एच क्या है बेटा, गैप है ए और ये पॉइंट के बीच में। तो इफ एक्स टेंस टू ए माइनस एक्स, चलो इससे भी और सिंपल तरीके से करें, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस यहाँ पे फंक्शन क्या यूज करेंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस यहाँ पे अगर एक्स यूज करेंगे कि अगर जो ये एक्स माइनस सॉरी ए माइनस एच इज रेशनल, तो नज़दीक में नज़दीक वाला पॉइंट है वो क्या हो, रेशनल हो। और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस वन माइनस एक्स भी आ सकता है कि अगर ये a माइनस एच है इज इरेशनल, ये जो नज़दीक वाला पॉइंट वो इरेशनल हो, तो फंक्शन a वन माइनस एक्स यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो x की जगह a रख दे तो a और वन माइनस ए। लेकिन बेटा मुझे तो ये फंक्शन है वो x इज इक्वल टू a के पास क्या मैंने कंसिडर किया हुआ है, कंटिन्यूस है, तो ये दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। हैंस a इज इक्वल टू वन माइनस ए होना चाहिए, तो टू ए इज इक्वल टू वन, हैंस a इज इक्वल टू वन हाफ। क्या हो गया बेटा, a इज इक्वल टू वन हाफ। इसका मतलब ऐसा हो गया कि a इज इक्वल टू अगर आप वन हाफ लोगे तो ये जो दोनों आंसर हो गए क्या हो गए, सेम हो गए। देखो यहाँ पे a की जगह वन हाफ रखो तो वन हाफ, और वन माइनस वन हाफ भी क्या होता है, वन हाफ, तो ये दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। चलो अभी मैं लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x ढूंढ रहा हूँ, अभी एक ही वैल्यू तो मुझे मिल गई ना। चलो अभी वन हाफ प्लस ढूंढते, तो लिमिट x टेंस टू वन हाफ प्लस क्या होगा बेटा, f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू वन हाफ प्लस, अगर वन हाफ प्लस का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू है वो वन हाफ से ज़्यादा है मतलब 0.5 से और नज़दीक में नज़दीक, तो बेटा वो रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। तो मतलब फंक्शन x यूज करो या लिमिट x टेंस टू वन हाफ प्लस अगर इरेशनल हो तो वन माइनस एक्स यूज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे x वन हाफ रख दिया तो ये हो गया वन हाफ, और
ये हो गया वन माइनस वन हाफ, तो ये भी क्या हो गया, दोनों सेम टू सेम आए ना, तो ये भी हो गया वन हाफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिमिट अभी एक की जगह वन हाफ माइनस रखो तो भी आंसर क्या आएगा, वन हाफ आ रहा है। वन हाफ प्लस का भी आंसर क्या आया, वन हाफ आया, मतलब वन हाफ के पास लेफ्ट साइड से लिमिट ली, राइट साइड से लिमिट ली, दोनों लिमिट का आंसर सेम आ रहा है। और अभी एफ ऑफ वन हाफ फाइंड आउट करेंगे, तो एफ ऑफ वन हाफ, तो एफ ऑफ वन हाफ, वन हाफ मतलब 0.5, तो 0.5 तो बेटा रेशनल नंबर होता है, तो अगर एक्स रेशनल नंबर है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ ऑफ वन हाफ इज इक्वल टू वन हाफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंस टू वन हाफ माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू वन हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ वन हाफ, ये सारी वैल्यूज क्या आई बेटा, सेम आ गई। हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, मतलब एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू के पास ये फंक्शन क्या है बेटा, कंटिन्यूअस। ठीक है बेटा, और हमारा क्वेश्चन भी क्या था, हमारा क्वेश्चन भी यही था कि एक्स की कौन सी वैल्यू के पास ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मैंने क्या कर लिया, सिंपल कोई एक वेरिएबल सपोज कर लिया कि एक्स इज इक्वल टू ए के पास कंटिन्यूअस है, फिर क्या किया बेटा, लेफ्ट साइड से लिमिट फाइंड आउट की एक्स टेंस टू ए माइनस लेके, यहाँ पे आंसर अलग अलग आए लेकिन कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे आंसर अलग अलग नहीं होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों सेम हो, तो ए इज इक्वल टू वन माइनस ए ले लिया, वहाँ से ए की वैल्यू मुझे वन हाफ मिल गई। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि ए की जगह अगर वन हाफ रखो तो आंसर क्या होगा, वन हाफ माइनस का, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू वन हाफ माइनस का, वन हाफ और वन माइनस वन हाफ, तो वन हाफ, मतलब लेफ्ट साइड से लिमिट ली उसका आंसर वन हाफ आ रहा है, फिर वन हाफ की राइट साइड से लिमिट ली तो उसका भी आंसर वन हाफ आ रहा है, और एफ ऑफ वन हाफ भी फाइंड आउट किया तो वो भी वन हाफ आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि वन बाई टू की राइट साइड से लिमिट ली, लेफ्ट साइड से लिमिट ली, और पॉइंट के पास फंक्शन की वैल्यू, सारी वैल्यूज इक्वल आ रही है, हैंस जो हमारा फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू वन हाफ के पास कंटिन्यूअस है। ओके बेटा, तो अगेन ये जो कंटेंट थी आज की हमारी, आज के लेक्चर की, वो भी बेटा जेई एडवांस की कंटेंट थी, जेई मेंस में बहुत मतलब रेयर केस में पूछते हैं, और सेम अगर पूछ लिया और अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो आपका जो परसेंटाइल रैंक है वो बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि 4 मार्क्स बेटा बहुत मैटर करते हैं, 4 मार्क्स में बेटा परसेंटाइल जो होता है उसका बहुत बड़ा गैप होता है। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।